जब भी हम अपने विचारों को किसी को अपने किसी को बात में पहुंचाने हैं, अपने विचारों को किसी तक पहुंचाना है, तो हमें हमेशा वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वाक्य किस रूप में बोले जाते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिखा घोड़ा चल रहा है घास। दूसरा वाक्य मैंने लिखा मोहन ने खरीदा जूता। ये जो वाक्य है बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनको अगर सही रूप में देखना है तो घोड़ा घास चल रहा है, मोहन ने जूता खरीदा, ये वाक्य मेरे व्यवस्थित रूप है। लेकिन इन वाक्यों को इसका मतलब क्रमबद्ध रूप में रखना बहुत जरूरी है। अतः वाक्य की जब हम परिभाषा लिखते हैं तो हमारे पास सार्थक शब्दों का समूह, ये सब हम जानते ही हैं कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के लिए अगर हम आगे देखें तो हमारे पास वाक्य के वर्गीकरण को कई आधारों में लिया गया। वाक्य का वर्गीकरण जो है दो आधारों पे किया गया, जिसमें पहला आधार रचना का आधार है। रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें पहला वाक्य है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य के नाम से भी पढ़ते हैं। साधारण वाक्य के लिए जो नियम होता है, हर वाक्य में एक ही क्रिया का होना जरूरी है। एक ही क्रिया, जैसे अगर मैंने उदाहरण मैंने लिखा धोबी, मैंने लिखा राम बाजार जा रहा है, मोहन बाजार से होते हुए घर पहुंचा। अगर दोनों वाक्य को हम देखें तो पहले वाक्य में राम बाजार जा रहा है, एक ही क्रिया यहां पर मौजूद है जा रहा, यानी कि जा रहा है एक ही क्रिया। दूसरे में मोहन बाजार से होते हुए घर पहुंचा, लेकिन क्रिया यहां भी एक ही है कि वो घर पहुंचा। लेकिन ये वाक्य कुछ बड़ा है, इसलिए वाक्य चाहे आकार में बड़े हो छोटे हो, लेकिन अगर वो एक ही क्रिया को दिखा रहे हैं तो वो सरल वाक्य और साधारण वाक्य की वर्ग में ही आते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे वाक्य की तरफ देखें, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए इसमें दो उपवाक्य, कोई भी दो उपवाक्य आपस में, दो उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात इनको हम योजक भी कहते हैं, इनके द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी दूसरी निशानी ये होती है कि ये दो उपवाक्य जो होते हैं आप अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। जैसे अगर मैं इसके लिए आपको संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिखती हूं, राम बाजार गया और फल लाया। यहां पर मेरा पहला वाक्य राम बाजार गया अपने आप में पूरा है, दूसरा बाजार से फल लाया यानी कि राम फल लाया, ये भी मेरे वाक्य में अपने आप में ये पूर्ण तरीके से अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन इनको मैंने योजक यानी कि और के सहारे जोड़ दिया है, जिसमें योजक जो है हमारे इसलिए, परंतु और
कथा, ये सभी योजक का कार्य करते हैं। अब अगर संयुक्त वाक्य की तरफ देखा जाए तो संयुक्त वाक्य को भी आगे और वेदों में बांटा गया है, जिसमें संयुक्त वाक्य के लिए पहला जो भेद है संयोजक वाक्य, संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोध मूलक और चौथा परिणाम वाची संयुक्त वाक्य। इनकी पहचान के लिए संयोजक में हमेशा दो वाक्य को जोड़ने के लिए संयोजक वाक्य में तथा व और का उपयोग किया जा सकता है। विभाजक में दोनों वाक्यों का अगर विभाजन करना हो तो या अथवा का प्रयोग किया जाता है। और विरोध मूलक में एक वाक्य का दूसरा वाक्य का विरोध करता हुआ पाया जाए तो यहाँ पर परंतु लेकिन इनका इस्तेमाल किया जाता है। और परिणामवाची में एक उपवाक्य का फल दूसरे पर निर्भर करता है तो वहाँ पे हम इसलिए का प्रयोग, इसलिए या अतः का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर संयोजन के लिए हम बात करें तो सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे तो यहाँ पे और का प्रयोग हुआ। विभाजक पे आप ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। विरोध मूलक पे यहाँ पे मैंने तो काम कहा था परंतु ये काम नहीं हो सका। परिणामवाची में वह मोहन बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका। इस तरीके से हम संयुक्त वाक्य का विभाजन इन भेदों के अनुसार करते हैं। इसके बाद हम आते हैं मिश्रित वाक्य पर। मिश्रित वाक्य में एक या अधिक वाक्य हो सकते हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और उसमें हमेशा एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा गौण। अब सवाल आता है कि प्रधान और गौण वाक्य की पहचान कैसे हो। इसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले हमने एक मिश्रित वाक्य लिख दिया, अगर मोहन परिश्रम करता तो पास हो जाता, पास हो जाता। इसकी अगर हमें यहाँ पर पहचान करनी है प्रधान और आश्रित वाक्य की तो हमको सबसे पहले इसमें यह ध्यान देना होता है कि प्रधान जो प्रधान वाक्य होता है वो हमेशा उसमें जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया रहती है और कभी भी वो बदलती नहीं है, बदलती नहीं। आश्रित वाक्य में क्रिया हमेशा अगर, जैसे, जब इनसे शुरू होती है। इस वाक्य को, मिश्र वाक्य को सबसे पहले सरल वाक्य में हम बदल कर देखना होगा। अगर मैं इसको सरल वाक्य में बदलती हूँ तो वाक्य आता है मोहन परिश्रम करने पर पास हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे लिखा मोहन परिश्रम करने पर पास हो जाता
वाक्य में जब राम बाजार गया सब्जी लाए। इस तरीके से जितना भी उन्हें पढ़ा हमने उसको सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य में एक ही वाक्य को हमने ऐसे रूपांतरण कर दिया। इस तरीके से वाक्य की रचना होती है। थैंक यू।